आप देख रहे हैं न्यूज टुडे NT24। खबर सबसे पहले। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। मंडलीय अस्पताल में MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का है बोलबाला। अस्पताल में नाक कान गला के डॉक्टर यहां है ही नहीं, जिसके कारण खांसी बुखार वाले दरबदर भटकने को है मजबूर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुबह सुबह मरीज है परेशान और डॉक्टर साहब को MR दे रहा है अपनी कंपनी की दवा का डेमो। हमें देख सक पका गया MR और चलते बने। डॉक्टर एक एक दास ने कहा कि मरीज नहीं थे तो MR दिखा रहा था अपना डेमो, इसमें हर्ज क्या है। तो वहीं CMS ने कहा कि अगर ऐसा है तो होगी जांच और डॉक्टर का लिया जाएगा स्पष्टीकरण। जिला महिला अस्पताल में उमस भरी गर्मी में बिजली कटने के कारण हाथ के पंखे बने मरीजों का सहारा। जननी सुरक्षा को मुंह चिढ़ाता यहां का व्यवस्था। बाहर से बताते हैं, अंदर को बुलाते तो नहीं देते हम लोग से। चाहो मतलब बता सकते हैं हमारे साथ वैसे आप आ गए, वैसे वो भी अपना बाहर से बता दिए। अच्छा मतलब कोई वो नहीं है बाहर से बता रहे, उनको बुलाते नहीं, उनको बैठाते नहीं। अच्छा अंदर नहीं बैठाते। प्रेजेंट नाक कान गला रोग में हमारे यहाँ आप सही कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर नहीं है, और जिसके लिए हमने डायरेक्टरेट से मांग की है कि एक नाक कान गला विशेषज्ञ की पोस्टिंग यहाँ की जाए। और बाकी डिपार्टमेंट में हमारे सफिशियंट डॉक्टर हैं, 3-3 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 5-6 फिजिशियन हैं, 2 चेस्ट फिजिशियन हैं, 2 सर्जन हैं, 4 आई स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थेटिस्ट है हमारे पास। तो बाकी किसी विभाग में EMO काफ़ी अच्छे मात्रा में है, और बाकी किसी विभाग में हमारे यहाँ किसी चिकित्सक की कमी नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जैसे कोई MR क्या हॉस्पिटल में इंटरटेन कर सकता है डॉक्टरों को? नहीं, सरकारी अस्पताल में MR का प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारा अस्पताल जो है वो खुद दवा प्रोवाइड करता है। तो जब हम दवा खुद दे रहे हैं तो उसमें फिर प्राइवेट MR का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमने पाया कि एक MR इंटरटेन कर रहा था, तो उस पर मैं कार्रवाई करता हूँ। मिर्जापुर से ब्यूरो आबिद संघ गुफरान की रिपोर्ट।